हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी सिम्प्लीफाइड इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलीजियस मूवमेंट दैट इमर्ज इन फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरीज तो इसमें बेसिकली हमें दो मूवमेंट के बारे में पढ़ना है द फर्स्ट वन इज़ भक्ति मूवमेंट एंड द अनदर वन इज़ सूफी मूवमेंट तो ये दो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ये जो चैप्टर है मेडिवल इंडिया से है जो कि हमारा पेंडिंग रह गया था तो टुडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट दिस चैप्टर इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे इस वीडियो में हम भक्ति मूवमेंट देखेंगे एंड इन अनदर वीडियो वी विल बी डूइंग सूफी मूवमेंट तो देखो भक्ति मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं सो so, भक्ति मतलब होता क्या भक्ति मीन्स डिवोशन ऑफ गॉड ओके एंड ये जो भक्ति मूवमेंट है इट वॉज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रीन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन इज थ्रू लव एंड वर्शिप रादर देन परफॉर्मिंग एनी रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज ओके अब देखो ये भक्ति मूवमेंट क्यों इमर्ज होके आया तो जो मेन रीजन है डेट वाज कंफ्यूजन बिटवीन गॉड्स एक्चुअली किसको वर्शिप करना है नहीं करना है किसको प्रायोरिटी देना है ये इतना कंफ्यूजिंग हो गया लाइक like मैं आपको बताऊँ तो वैदिक एज के टाइम से ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गॉड थे लाइक like, इंद्र वरुण अग्नि सूर्य मित्र विष्णु सोम रुद्र एंड और भी बहुत सारे थे तो ये सारे गॉड हम वैदिक एज से ही देखते आ रहे हैं एंड सबका अपना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है ठीक है तो किसको प्रायोरिटी देना है नहीं देना है? इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि एक मूवमेंट को आना पड़ा इसके अलावा कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी में था डेट वॉज डोमिनेंट लोअर कास्ट वालों को टेम्पल्स में जाना अलाउ नहीं था बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हो रहा है यहाँ जो रिफ़ॉर्मर निकल के आ रहे हैं कही कहीं ना कहीं लोअर कास्ट से भी निकल के आ रहे हैं तो जो कास्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा था सोसाइटी में उसको भी अबोलिश करना था ठीक है एंड एक और रीज़न हम बोल सकते हैं हिंदू जब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़म इस टाइम में क्या था कि डिक्लाइन करने लगा था तो कहीं कही ना कहीं एक नया रिलीजियस मूवमेंट आना ही था ठीक है एंड जैसा कि हम जानते हैं कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम चल रहा था उस टाइम बहुत सारे सोशल इवेंट्स प्रिवील कर रहे हैं एंड इस वजह से क्या होता है कि भक्ति मूवमेंट को आना पड़ता है एक्चुअली जो रिफॉर्मर्स हैं वो लोग भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट को लेके आते हैं एंड प्रमोट करते हैं इक्वालिटी एंड कुछ जैसे आइडल वर्शिप हो गया उसके अगेंस्ट होते हैं सेक्रीफाइज हो गया उसके अगेंस्ट होते हैं तो वो सब हमें देखने को मिलेगा तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल्स में तो सबसे पहले जो भक्ति मूवमेंट है वो साउथ में आया साउथ इंडिया में इट वॉज इन साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम दैट भक्ति मूवमेंट ग्रीव फ्रॉम मीयर रिलीजियस डॉक्ट्रीन टू तो अ ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर मूवमेंट बेस्ड ऑन सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी मैंने आपको बताया ना कि जो अभी सोसाइटी थी उसमें चेंज लाने के लिए एक सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी लाने के लिए कहीं ना कहीं ये मूवमेंट अराइज किया ठीक है एंड कहाँ से राइस करता है तो हमें देखने को मिला साउथ इंडिया में ठीक है एंड साउथ इंडिया में जो पायनियर थे भक्ति मूवमेंट के उसका नाम आप देख लीजिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दे नहीं रखा बट आप लोग नोट कर लीजिए शंकराचार्य ठीक है शंकराचार्य जिनका टाइम पीरियड था सेवन हंड्रेड एटी एट एडी टू एट ट्वेंटी ए डी एक्चुअली आपको टाइम पीरियड याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप किस किस का याद रखोगे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता जो मेन फीचर्स है वो आपको याद रखना है तो जो शंकराचार्य थे ही वॉज़ पायोनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट इनका नाम याद रखिए क्वेश्चन आता है ही वॉज डिवोटी ऑफ शिवा एंड इन्होंने एक फिलासफ़ी दी जिसको बोलते हैं अद्वैत फिलासफ़ी इनका फिलोसफी को आप याद रखिएगा ठीक है नोट डाउन no कर लीजिए अद्वैत फिलॉसफी इन्होंने दी जिसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी जीव है आत्मा है परमात्मा ये सब एक है ठीक है तो ये फिलॉसफी इन्होंने दिया प्लस इन्होंने क्या किया इन्होंने आ, इंडिया में फोर मत्स की स्टा आ, की मत क्या है तो आ, इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सारे जगह शंकराचार्य ने मथ को इस्टैब्लिश किया अगर हम बात करें नॉर्थ में तो नॉर्थ में है बद्रीनाथ ओके okay. साउथ में है श्रृंगनी श्रृंगरी ईस्ट में है जगन्नाथपुरी एंड वेस्ट में है द्वारका ओके okay. तो फोर मंथस वॉज एस्टैब्लिश बाई शंकराचार्य क्वेश्चन में पूछा जाता है कहाँ बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी श्रिंगरी एंड द्वारका ठीक है तो आप इतना याद रखिएगा यहाँ से अब क्या होता है कि जो नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट को लेके आते हैं उनका नाम भी याद रखना है तो रामानंद यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को ये लेके आए एंड ये किनके फॉलोवर थे तो ही वॉज फॉलोवर ऑफ़ रामानुज तो आप तीन पर्सन का नाम यहाँ से याद कर लीजिए शंकराचार्य पायोनिया ऑफ भक्ति मूवमेंट रामानुज कौन थे तो ही वॉज़ रिफॉर्मर ऑफ भक्ति मूवमेंट सबसे पहले रिफॉर्मर यही था ऐसा हम बोल सकते हैं एंड रामानंद तो ही वॉज फर्स्ट रिफॉर्मर ऑफ नॉर्थ इंडिया ठीक है यहाँ तक समझ में आया अब देखो हम लोग एक बार फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स था तो देखिएगा डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइजेस इम्फेसाइज प्योरिटी ऑफ हार्ट माइंड ह्यूमनिज्म एंड डिवोशन मोनस्थिक इन नेचर मोनिस्थिक मीन्स होता है देय इज़ ओनली वन गॉड ऐसा बिलीव रखने वाले को बोलते हैं ठीक है तो ये बेसिकली मोनिस्थिक थी ठीक है एंड जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर है उसमें है गॉड हैज़ either फॉर्म form or formless. तो ये आप याद रखिएगा शगुन एंड निर्गुण शगुन होता है गॉड हैज़ नो शगुन मतलब होता है गॉड हैज़ फॉर्म भगवान का आकार है उन, उनका एट्रीब्यूट है उनका क्वालिटी है जबकि जो निर्गुण है निर्गुण मीन्स होता है गॉड इज फॉर्मलेस उनका कोई एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी नहीं है तो इस तरीके से याद रखिएगा निर्गुण जो फिलोसफी uh, था ठीक है इसको फॉलो करने वाले कौन थे तो निर्गुण को फॉलो करने वाले थे गुरु नानक एंड कबीर जबकि शगुन का बात करें तो शगुन को फॉलो करने वाले थे सूर्यदास तुलसीदास मीराबाई मीराबाई जो थी वो शी ऑज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड कृष्णा को वो अपना पति के रूप में पूजती थी तो ये लोग कुछ ऐसे थे जो किस में बिलीव करते थे शगुन में शगुन मीन्स गॉड हैज़ फॉर्म भगवान का एक आकार है एंड निर्गुण क्या होता है कि फॉर्मलेस गॉड फॉर्मलेस है ठीक तो आपको ये फीचर समझ में आया होगा उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अब भक्ति सेंट्स के बारे में स्टार्ट हो गया है तो हम लोग देखते हैं क्या क्या क्या, क्या एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिएगा सबसे पहले दे रखा है राम अनुजा so, राम अनुजा से इंपॉर्टेंट क्या है ही वॉज बॉर्न इन चेन्नई एंड ही वॉज डेसिपल ऑफ शंकराचार्य ठीक है इसके अलावा इन्होंने बोला गॉड को कि गॉड एक ओशन ऑफ लव है एंड इन्होंने उपनिषद भगवत गीता की जो टीचिंग्स है उसको लोकल लैंग्वेज में प्रमोट किया ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु ओके एंड इन्होंने एक फिलॉसफी अपनी दी जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज वशिष्ठ द्वेद ओके ये फिलॉसफी का नाम याद रखिएगा हु वॉज द फाउंडर ऑफ वशिष्ठ वेद तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजा ओके वन पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट okay? आ जाता है रामानंद तो रामानंद के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को लेके आए थे ठीक है एंड ही वॉज़ डिवोटी ऑफ रामा यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इनके बारह डेसिपल थे जिसमें से कबीर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है तो कबीर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे तो इतना याद रखिएगा यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ इंडिया में जो लेके आए थे भक्ति मूवमेंट को वो कौन थे तो रामानंद हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कबीर अब कबीर कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा ही वॉज बॉर्न इन हिंदू फैमिली बट ही वॉज ब्रॉट अप बाई मुस्लिम फैमिली इस वजह से क्या होता है उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है एंड इनका ऐसा कहना था कि राम और रहीम अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही है इसके अलावा इन्होंने अपोज किया आइडल वर्शिप को रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइजेस को तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं इन्होंने वर्क किया हिंदू मुस्लिम के यूनिटी पे एंड आप एक चीज़ याद रखिएगा इनके कॉम्पोजिशन्स के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ पे तो गिवन नहीं है बट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन्स uh, है बीजक जब हम लोग स्कूल में थे तो कबीर के दोहे देखते थे ना तो वो इम्पोर्टेंट है तो कॉम्पोजिशंस तो आपको याद रखना है बीजक देन सखी ग्रंथ ओके okay. एंड द थर्ड वन इज अनुराग सागर तो ये तीन कॉम्पोजिशन आपको कबीर से याद रखना है एंड कबीर जो बिलीव करते थे ही बिलीव इन पैंथिज्म पैंथिज्म क्या होता है कि गॉड इज एवरीवेयर ऐसा जो बिलीव रखता है उसको पैंथिज्म बोलते हैं तो कबीर ऐसा बिलीव करते थे ठीक है अब नेक्स्ट आ जाता है गुरु नानक गुरु नानक क्यों इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन ये चीज़ याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है सिख रिलीजन में हम लोग टोटल टेन गुरु के बारे में देखे थे ही वॉज द फर्स्ट वन ठीक है एंड जो बाकी के टेन है मैंने आपके के साथ डिस्कस कर रखा है तो ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर तो आप ये भी याद रख सकते हैं बाबर जब इंडिया में आया था उस टाइम गुरु नानक थे है ना एंड ही प्रमोटेड लंगर लंगर क्या होता है तो फ्री किचन फ्री फूड जो अवेलेबल करवाया जाता है तो ये गुरु नानक ने स्टार्ट किया था लंगर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है चैतन्य चैतन्य से एक क्वेश्चन निकल के आता है महाप्रभु किसको बोलते हैं तो चैतन्य को ही महाप्रभु भी बोला जाता था बोला जाता है ठीक है महाप्रभु चैतन्य को बोला जाता है एंड ही वॉज फ्रॉम बंगाल और ये डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा के ठीक है नेक्स्ट आ जाता है विद्यापति तो विद्यापति इज आल्सो इंपॉर्टेंट ये एक मैथिली सेंट थे जो कि बिहार से प्रिवेल करते थे एंड इन्होंने पदावली का कंपोजिशन किया जो बेसिकली राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया है पदावली तो ये एग्जाम में पूछा जाता है विद्यापति इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आ जाता है मीरा बाई तो मीरा बाई जो थी राठौर प्रिंसेस थी ठीक है एंड शी वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ राना सांगा फ्रॉम मेवार ओके एंड यहाँ से आप क्या याद रख सकते हैं तो शी वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड कृष्ण को वो अपने पति के रूप में पूछती थी तो बस आप इतना याद रख सकते हैं एक विमेन सेंट के बारे में क्वेश्चन निकल सकता है क्योंकि क्यों मोस्टली यहाँ पे हम लोग को मेन मेल के बारे में ही देखने को मिला है एक विमेन सेंट यहाँ से निकल के आती है भक्ति मूवमेंट में वो मीरा बाई है नेक्स्ट आ जाता है वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य से एक क्वेश्चन निकल के आता है इनकी जो फिलासफ़ी है पुष्टि मार्ग की इसके बारे में क्वेश्चन निकल के आता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा पुष्टि मार्ग जो फिलॉसफी या डैट वॉज गिवेन वही वल्लभ चार नेक्स्ट वन इज सूर्यदास सूर्यदास इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये एक ब्लाइंड पॉइंट थे आगरा से थे एंड इन्होंने जो कॉम्पोजिशन किया है उसका नाम है सूर्य सागर तो ये एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य सागर किसने लिखा है तो सूर्यदास ने लिखा है नेक्स्ट वन इज तुलसीदास अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं बिकॉज इनके जो कॉम्पोजिशंस हैं वहाँ से क्वेश्चन हमेशा निकलते हैं रामचरित्र मानस किसने लिखा है तुलसीदास ने कवितावली एंड गीतावली किसने लिखा है तुलसीदास ने तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी आप इसको मार्क डाउन कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फिर यहाँ पे दो तीन और दे रखा है बट हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं अब नेक्स्ट आ जाता है भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र अब हमें महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स के बारे में देखना है तो देखते हैं फर्स्ट वन इज जनान देव जो थे ही वॉज फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इन्होंने मराठी लैंग्वेज को फाउंड किया प्लस लिटरेचर इन्होंने जो भी लिखा है अपने मराठी लैंग्वेज में लिखा है और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है उनकी एक कमेंट्री uh, है ऑन भगव गीता जिसको क्या बोलते हैं भवार्थ दीपिका बोलते हैं एंड इस वजह से उनको एक टाइटल मिला जिसको जिसका नाम है जनेश्वरी ही वॉज ऑल्सो नून एज़ जनेश्वरी बिकॉज ही रोट अ लॉन्ग कमेंट्री ऑन भगवद गीता और उस कमेंट्री को बोलते हैं भवार्थ दीपिका ठीक है इतना समझ में आया तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जनेश्वरी किसको बोला गया है क्यों बोला गया है याद रखिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं नामदेव नामदेव से क्या क्वेश्चन बन सकता है तो नामदेव जो थे ही वॉज टेलर बाई कास्ट एंड वॉज अपोज टू ऑल कास्ट डिस्टेंशन नामदेव के बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु एंड ये एक लो कास्ट से थे एंड इन्होंने बहुत काम किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। ठीक है नेक्स्ट आ जाता है एकनाथ। एक नाथ के बारे में आप एक चीज़ याद रख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरीके से भगवत गीता का कमेंट्री किसने किया था जनान देव ने किया था उस तरीके से रामायण का कमेंट्री करने वाले कौन थे एक नाथ थे एंड इस कमेंट्री को क्या बोलते हैं भवार्थ रामायणा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है आप इसको याद रखिएगा नेक्स्ट इज तुकाराम तुकाराम से भी क्वेश्चन निकल के आता है और क्वेश्चन आता है इनके पोएम्स के कलेक्शन को लेके इनके पोएम्स के कलेक्शन को बोलते थे अभंगाज एंड ही वाज फॉलोअर ऑफ़ नामदेव अभी हम लोग ऊपर पढ़े ना नामदेव के बारे में तो ये उनके ही फॉलोवर थे ओके एंड ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी जो मराठा के एक बहुत बड़े रूलर थे शिवाजी उनके ये कंटेम्प्रेरी थे एंड फाइनली द लास्ट वन इज रामदास सो द लास्ट ग्रेट सेंट पोइट फ्रॉम महाराष्ट्र वॉज रामदास एंड इनके जो कंपोजिशन है उसको बोलते हैं दस बोधा इट इज इम्पॉर्टेंट पहले तो आप याद रखिएगा इससे एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है क्योंकि ही वॉज पॉलिटिकल गुरु ऑफ शिवाजी शिवाजी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे रामदास थे तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एंड इनका जो कॉम्पोजिशन फेमस है डैट वॉज सत बोध दस बोध ओके तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है सूफी मूवमेंट जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे तो अभी हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया ये जो भी भक्ति सेंट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस किया तो आप लोग इसको मार्क डाउन कर लिए होंगे एंड uh, समझ में भी आया होगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड uh, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम लोग अगले वीडियो में करेंगे चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग